क्या ओरेंगेटन आज एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज कर पाई? 90 किल से, अरे 100 मारते हैं तेरी भैंस की। चलो तो मेरे भाइयों, क्या हालचाल। फाइनली हम 8K सब्सक्राइबर्स के माइलस्टोन से बस कुछ ही दूर खड़े हैं। 70 सब्सक्राइबर्स और चाहिए और इतनी उम्मीद तो है। क्या आज तुम अपने भाई की ये डिमांड पूरी कर ही दोगे? चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट है ओजी एलीट के बारे में। तो कहते हैं कि स्टीम पे एक अनोखा श्राप लगा हुआ है। टॉप 3 में आके भी 99% ऑफ द टाइम ये लोग टूर्नामेंट नहीं जीत पाते, लेकिन अनोखे कारनामे करने का कोई रिकॉर्ड हो तो उस पे जरूर ओजी का हक है। इंटरनेशनल भुया हो या किलर का वो FFIC में मैजिकल क्लच, ओजी फैंस को मुस्कुराने का मौका मिल ही जाता है। जब पहाड़ी ने इंस्टा पे अनाउंस किया था कि वो एक दिन बेस्ट आईजीएल बन के दिखाएगा तो किसी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने भी पहाड़ी को आईजीलिंग करते हुए नहीं देखा था। लेकिन 101 किल्स का रिकॉर्ड बनाना उस प्रोसेस में पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने के लिए 2 किल की और आवश्यकता। नेट लगा रहे हैं, पहाड़ी नॉक हो सकते हैं। जी नहीं, पहाड़ी ने भी अपना सेल्फ डिफेंस किया। 20 किल यहां पे सिक्योर हो चुके हैं। एक और खिलाड़ी नॉकआउट है। 21 किल हो चुके हैं। एक और किल की आवश्यकता। विल इट बी द 100? विल इट बी द सेंचुरी फॉर द ओरेंगेटन? विल इट बी द 100 किल फॉर द ओरेंगेटन? They did it! Record has been made! 100 kills by a team in a tournament in a single day! Woohoo! 101 kill kar diya hai yahan pe team elite ne. They got 101 kills in a single day! Oh, booyah! Oh my god! देखो यार, ऐसे इतने किल करेंगे तो टीम्स का तो यही रिएक्शन होगा, यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। वाकई में ओजी ने रियल ओजी वाला काम किया है। और आज का टास्क है तुम्हारा कि बताओ ओजी की फुल फॉर्म क्या है। एंड इस शानदार अचीवमेंट के बाद पहाड़ी का इंटरव्यू हुआ, जिसमें पहाड़ी और जोंटी भाई मस्ती करते हुए दिखाई दिए। जिन्होंने देख लिया वो स्किप कर दो। कैसे हो रॉकी भाई? मैं तो भाई तूने फिर से जिंदा कर दिया भाई। 101 किल पाड़ी। एक्चुअली आप लकी हमारे लिए, मैं क्या ही बोलूं। मैं एक अरसे से देख रहा था आप पे बहुत प्रेशर आ रहा था, इज इट ट्रू? प्रेशर पाड़ी, यू आर लाउड एंड क्लियर ब्रदर। हां नहीं, वो जॉन्टी भाई। तो मैं कहना चाहता था कि जैसे कि आप क्या खेल रहे थे। अरे कैमरा ऑन करो ना पहाड़ी, कैमरा ऑन। हमारी जो गेम प्लानिंग थी वो ऐसी थी कि हमें ब्लू जोन ही जाना है आज। हम सोच रहे थे सिर्फ ब्लू जोन ही जाते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं जाते हैं। 101 किलो है सगुन के। मैंने स्ट्रीम स्नाइप नहीं करवाई, अगर करवाई होती। Nice. Jaunty bhai has break the mystery. Normally काफी funny चीजें होती हैं। इसकी आईडी से वो खेल रहा था, उसकी आईडी से वो खेल रहा था। Jokes apart guys, कोई ये मत कह देना पहाड़ी भाई की आईडी से Jaunty bhai खेल रहे थे। अरे मैं ही खेल रहा था भाई। तुम क्या? अरे तुम्हें अभी तक क्या लगा पहाड़ी खेल रहा था? बस यार तुम यही तो गलत हो गए। यही मत खा गए। नाइस। जॉन्टी भाई वो जो ग्राइंड कर रहे हैं भाई, जॉन्टी क्या समझ रहे हो? हां वो पुरगैत्री मैप पे जो रिज पे जो है जॉन्टी भाई जंपिंग प्लेयर पहाड़ी के ऊपर था, आपने पहाड़ी के नीचे से शॉट लगाया था हेडशॉट, मैं तो दीवाना हो गया उस शॉट में। जॉन्टी नहीं, वो जो मैं वो भी अच्छा था, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा मुझे लगा जब मैंने मतलब 4 स्क्वाड को एक साथ संभाला। नेक्स्ट अपडेट है बैटल ऑफ टीयर से। तो ग्रुप सी में टॉप पर रही ओजी एलीट 153 पॉइंट्स के बाद कौन टॉप पे नहीं रहेगा। सेकंड पे रही नेम नॉट मैटर एंड थर्ड पोजीशन पे रही BFA। और कल आवाज थी अमित भाई की, सबने सही पहचाना था, वेरी गुड। अब जरा आज की आवाज गैस करो। बट इधर आओ, तुम्हारे लिए मैं एक ओपी जगह ढूंढ रहा है भाई। तुम्हें मेंटल का असर होता है ना, इधर आओ, इधर से खाई में पूछा। अब बता भी तो, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। नेक्स्ट अपडेट है ओल्ड मोंग के बारे में। तो उन्होंने बताया कि वो लोग जल्दी ओजी के बूट कैंप जाएंगे। ओजी बूट कैंप कब?
पता चल जाएगा गाइस, बहुत जल्दी जाएंगे शायद। अरे भाई आप ओजी में ऑफिशियल साइन कब होगी? हो जाऊंगा गाइस जल्दी ही शायद, होपफुली बहुत जल्द। हेड्स प्लेयर्स ने बोला था कि नए प्लेयर्स को गेम आने के बाद ही लेंगे, और ये बोल रहे हैं कि ओजी के बूट कैंप पे जल्दी जाएंगे। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। लगता है कोई लीक है इनके पास गेम वापसी की। ब्लिस ब्लड ने भी स्टोरी लगाई है कि गेम 23 जुलाई को वापस आ रहा है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बताया कि उस दिन कोई इवेंट आएगा, गेम नहीं। अब सच्चाई तो 23 को ही पता चलेगी। अगली अपडेट है एनजेक्स के बारे में। तो अपडेट ये मिली है कि वासी और डिवाइन लीजेंड के साथ खेलते दिखाई दिए, लेकिन यह टेम्पररी था, यह सब परमानेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा ताहिर गोडलाइक के साथ छुप के खेल रहा है, ऐसा भी पता चला है। शायद गेम आने से पहले काफी बड़े बड़े चेंजेस आ जाएंगे टीम्स में, जो लीक्स मिली है वो बता रहा हूँ, किसी भी चीज की 100% श्योरिटी नहीं है। एंड इन सब हार्ड रिसर्च का क्रेडिट जाता है एनजेक्स ट्राई हार्ड को। नेक्स्ट अपडेट है टीएसएम के बारे में। तो जिस शेडो वर्सेस टीएसएम को हम एक दो दिन पहले डिस्कस कर रहे थे, वो भयानक रूप ले चुकी है, क्योंकि अब शेडो वर्सेस टीएसएम नहीं, गॉडलाइक वर्सेस टीएसएम फेस टू फेस हो रहा है, और प्रॉब्लम यह है कि यहाँ कोई भी जीत नहीं सकता। अगली अपडेट है टीएम और हैक्स मैटर से। तो कल मैंने जो बोला उस पर कुछ लोगों ने कहा था कि ड्रॉप क्लैशेस में लक का रोल भी होता है, गन नहीं मिली तो फिस्ट फाइट करेंगे क्या? वैसे कर सकते हैं, अच्छा आइडिया है, लेकिन फर्स्ट मैच के बाद तो हमें पता चल गया था कि क्लैश लैंडिंग कर रही है टीम, फर्स्ट के बाद नहीं तो सेकंड के बाद पता चल जाना चाहिए था। और स्टार्टिंग में दो मैचेस में शायद टीएम ने हैक्स को वाइप आउट भी कर दिया था, टीएम को तो एक्स्ट्रा 8 पॉइंट्स ही मिले उन दो मैचेस से। लेकिन बैक टू द पॉइंट, लक का रोल तब तक होता है जब तक स्ट्रेटजी बना के आगे नहीं बढ़ते। जिन मैचेस में हैक्स ने टीएम को वाइप आउट किया उनमें टीएम काफी स्प्लिट थी, या तो बिना किसी स्ट्रेटजी के साथ ही क्लैश लैंडिंग कर ली। अगर टीएम लैंड करते वक्त ध्यान दे और हैक्स को घेरने का ट्राई करे, या उस जगह लैंड करे जहां हैक्स का अकेला प्लेयर या दो प्लेयर लैंड कर रहे हो, तो जीतने के चांसेस इंक्रीज हो ही जाएंगे। 100% गारंटी तो नहीं होती, बट मैटर तो ये करता है कि कौन ज्यादा बार जीता। सही बात है। और हैक्स बोल दे कि टीएम को जीतना है तो कहीं और लैंड कर लो, ये ड्रॉप हमारा है, तो कोई क्या कर सकता है? ड्रॉप पे तो नाम नहीं लिखा, तो बार बार हैक्स ने क्लैश लैंडिंग की या बार बार टीएम ने क्लैश लैंडिंग की, इसका फैसला कौन करेगा? इसके अलावा कुछ लोगों ने बताया कि हैक्स के प्लेयर इंस्टा स्टोरीज लगा रहे थे, तो यार वो लोग टीएम को मार के एक्साइट हो गए होंगे, तो उसमें गलत क्या है? मैं खेलने जाऊं तो मुझ नूब को मार के कौन एक्साइटेड होगा? एक टॉप टीम को वाइप आउट करने का मजा ही अलग होता है, तो लेने दो मजा। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।